नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। गलवान घाटी में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले चीनी सेना ने धोखे से 15 जून की आधी रात को हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन चीनी हमले का करारा जवाब देते हुए भारत ने भी कम से कम 40 चीनी जवानों को मार गिराया। यहाँ पर एक बात कंफर्म करते चलें कि ये चीन की तरफ से दिया गया बयान नहीं, क्योंकि चीन हमेशा से चीनी नुकसान का ब्यौरा नहीं देता। लेकिन जवानों के मारे जाने की खबर दूसरे स्रोतों से पता चली। उसके बाद भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ और अभी तक जारी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। इसी बीच 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने फिर दुस्साहस दिखाते हुए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, लेकिन पहले से तैयार भारतीय सैनिकों ने हिम्मत के साथ उन्हें रोका और पीछे धकेला। इसके साथ ही साथ एक बार फिर चीनी सैनिकों ने हिमाकत की और पिछले 45 साल में पहली बार गोली चलाई। इसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी फायरिंग कर चीन को आगाह कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल सीमा पर हालात कंट्रोल में। ये घटना पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में स्थित शिपाओ माउंटेन टॉप पर हुई, जहां भारत सामरिक नजरिए से काफी मजबूत हालत में आ गया और यही बात चीन को चुभ रही। बीती रात चीनी सेना ने फायरिंग करते हुए शिपाओ माउंटेन टॉप पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने चीन को तुरंत करारा जवाब दिया। सैनिकों ने जवाबी फायरिंग करके चीन को चेतावनी दी और अपनी पोस्ट की तरफ आते ही चीनी सैनिकों को तुरंत रोक दिया। लगातार चेतावनी देते हुए भारतीय सैनिकों ने कई गोलियां चलाई। भारत की तरफ से करारा जवाब मिलते ही चीनी सैनिकों के कदम रुक गए। काला टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा करने के बाद से भारतीय सेना काफी अलर्ट पर थी, जबकि चीनी सेना बार बार इन दोनों चोटियों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। गोली चलने की घटना भी इसी कोशिश का नतीजा था। घटना बहुत बड़ी है और चीन की हिमाकत भी, क्योंकि एलएसी पर 1975 के बाद से पहली बार गोली चली। तो आप समझ सकते हैं कि चीन किस हद तक जा रहा है, लेकिन भारत चीन के किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है।